पहले वाला चैप्टर नहीं समझ में आया, उसका नेक्स्ट चैप्टर वो एक्सप्लेन कर रही है एंड शी एक्सपेक्ट्स अस टू अंडरस्टैंड इट। पता नहीं यार वो क्या सोचती है, बस उसे कोर्स कंप्लीट करने का रहता है कि बस करो करो और उसको कुछ करना नहीं है। पहले उधर तो देख, ओल्डीज विद सेफोरा बैग। माय गॉड, डस शी इवन नो व्हाट सेफोरा इज? यू सी अदर फॉरगेट इट। यू रिमेंबर यार वो हमारे कैंटीन में देयर इज दिस न्यू डिश दैट देयर समथिंग कुछ लेकर आए जो सबवे बोल रहे हैं कि खुलने वाले हैं। मुझे पता है आप यंगस्टर सोचते हैं कि हम पुराने जमाने के हैं, हमें कुछ आता ही नहीं होगा, ना ही किसी चीज की नॉलेज होगी, लेकिन मुझे पता है सेफोरा एक इंटरनेशनल ब्रांड है, कॉस्मेटिक ब्रांड है जो 1969 में फ्रांस में लॉन्च हुआ था। ये शायद आपको भी नहीं पता होगा क्योंकि ये बातें किताबों में तो लिखी नहीं होती और ना ही आप लोगों को बड़ों के रिस्पेक्ट करना आता है। ये है मेरी प्यारी दादी और मैं उनकी विद्या। कितनी स्मार्ट है ना मेरी दादी, पता है मैं इन्हें सब सिखाती हूँ और ये मुझे। वी टीच ईच अदर अ थिंग और टू अबाउट लाइफ एवरी डे। जैसे कि दादी मुझे साड़ी बांधना सिखाती है और मैं उन्हें जीन्स पहनना। मैं दादी को टेक्नोलॉजी का ज्ञान देती हूँ और वो मुझे इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन का। दादी मुझे कुकिंग सिखाती है और मैं उन्हें मेकअप करना। बहुत क्यूट मेकअप करती हैं अब दादी। दादी मुझे मंदिर लेके जाती हैं और मैं उन्हें शॉपिंग। वो मुझे गजलें सिखाती हैं और मैं बोर हो जाऊं तो रॉक म्यूजिक चला देती हूँ और उन्हें परेशान करती हूँ। वी आर बोथ ग्रोइंग एंड लर्निंग, इसलिए उन्हें इतनी नॉलेज है हर चीज की। जमाना बदल रहा है और इसलिए मैं उन्हें हाथ पकड़ के आगे बढ़ना सिखा रही हूँ। After all, कभी उन्होंने भी तो हमें हाथ पकड़ के चलना सिखाया था ना, है ना? दादी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। We cherish each and every moment together. Oh, by the way, ये झुमके दादी के हैं, उन्होंने मुझे दिए ताकि वो हमेशा मेरे साथ रहें। उनके चले जाने के बाद भी दादी। अरे क्या हुआ था? इसलिए वो मुझे बीते हुए कल की बातें सिखाती हैं और मैं उन्हें आने वाले कल की।